नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कालापीपल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती द्वारा प्रशासन के सहयोग से स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर में क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया। क्वारंटाइन सेंटर का शुभारम्भ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री व शाजापुर के प्रभारी इंदर सिंह परमार, मानस मर्मज्ञ पंडित श्याम स्वरूप मनावत व संघ एवं सेवा भारती के पदाधिकारी द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना के साथ किया गया। वही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य संक्रमित हो गया है, उसे अलग से घर में रखने के लिए स्थान व संसाधन की कमी है। ऐसे लोगों के लिए सेवा भारती द्वारा क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ पर मरीजों की देखभाल के लिए सेवा भारती के कार्यकर्ता व प्रशासन द्वारा उनकी पूरी मदद की जाएगी। साथ ही कहा कि लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे नजरअंदाज ना करें, अपनी जांच करवाकर डॉक्टर से उचित परामर्श लें, तभी जाकर हम इस महामारी की चैन को तोड़ सकते हैं। कालापीपल से बबलू जायसवाल की रिपोर्ट। जिस प्रकार से अस्पतालों में संख्या बढ़ी है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या शासकीय अस्पताल हो, उसके अलावा भी लोग बड़ी संख्या में बीमार होकर घर में रह रहे हैं। भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की होम आइसोलेशन की नीति है, लेकिन ऐसे परिवार जिनके परिवारों में पर्याप्त जगह नहीं है, अलग रहने की व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम उनके नहीं है, कक्ष नहीं है, ऐसे लोगों को हम आइसोलेशन सेंटरों में रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे भी सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, लेकिन जिनको थोड़ी दवाई भी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ऑक्सीजन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कोरोना पॉजिटिव जो है वो ऐसे सेंटरों में आकर के थोड़ा बहुत इलाज भी ले सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ करके अपने घर लौट सकेंगे। पूरे जिले भर में हम ऐसे तो पॉजिटिव केसेस हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो घरों में रह करके जो केस बिगड़ कर आ रहे हैं, इसको कोई टाइफाइड कह रहा है, कोई निमोनिया कह रहा है, लेकिन वास्तव में सब कोरोना के कारण है, वो बड़ी संख्या है। और जब वो अस्पताल में तभी आते हैं जब वो बहुत गंभीर रूप से वो बीमारी के दिखने लगती है। उस समय किसी के हाथ में कुछ बचता नहीं, डॉक्टर के हाथ में भी नहीं बचता, हम सब लोगों के हाथ में भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति में हम समाज से अपील ही करना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं उनको बाहर लाए, समय के पहले चिकित्सक को दिखाए, ज़रूरत पड़े तो उनको अस्पताल पहुँचाए, ताकि हम कोरोना और नहीं फैले। जो संक्रमित हो गए हैं उनको हम इलाज कराने का काम करें, और बाकी लोग जो अभी बचे हैं सुरक्षित है उनको पूर्ण रूप से हम सुरक्षित करने का काम करें। इसी के और पूरा प्रशासन, सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल के लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।